को फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपको बताऊँगा 3x3 रूबिक्स क्यूब पर आप डॉट पैटर्न कैसे बनाएंगे। मैं इसको पहले खोलते हैं, ये तो स्क्रैम्बल हुआ है, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये मैंने यूँ करना है, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, यूँ यूँ मूव करते जाना है, मगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा क्यूब सॉल्व। बताऊँगा इसके आप डॉट पैटर्न कैसे बना सकते हैं। आपने कोई भी क्यूब की साइड ले लो, कोई सा भी कलर लेने के, सबसे पहले आपने यूँ पकड़ के यूँ मोड़ना है। नेक्स्ट ब्लू साइड से आपने यू मूव करना है। नेक्स्ट वाइट साइड से आपने यू मूव करना है और लास्ट साइड से आपने यू मूव कर देना है। ये आपका बन गया है डॉट पैटर्न। इसको आप दोबारा कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने पहले यू मूव करके फिर यू मूव करना है, फिर यू मूव, इन दोनों का तो बन गया। अब इसको बीच में से यू मूव कर देना है, तो ये पूरा बन गया है। बताऊँगा इस पर बांग्लादेश का फ्लैग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपने ये ऐसे ब्लू सामने लेना है, बीच में यूँ फिर यूँ मूव करना है, नेक्स्ट साइड से फिर यूँ मूव करना है और थर्ड साइड से आपने यूँ मूव करना है, फिर फोर्थ साइड से मैंने यूँ मूव कर दिया। आप नहीं मूव करें, खैर है, ये बन गया है हमारा बांग्लादेश का फ्लैग। साथ में डॉट पैटर्न भी बन गया है। सो दोबारा सॉल्व करना है, तो यूँ मूव, फिर यूँ मूव, फिर यूँ मूव, अब फिर से दो बन गए हैं, फिर से यूँ मूव। मज़ेदार चीज़, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए अपने रूबिक्स क्यूब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।